ओके गाइज, वेलकम बैक टू द कूर्ग ब्लॉग। एंड ये है पार्ट 5, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं बैम्बू फॉरेस्ट। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से ये लोकल मार्केट मिलती है, जिसमें गुब्बू पहले डिमांड करती है कि मुझे मार्केट घूमना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर करने, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ। अभी उसको पता ही नहीं अगर क्या उधर जाएगी तो कहेगी वाओ। खाई जा रही है आइसक्रीम क्योंकि गर्मी ही इतनी है। Which one you want? So, यहाँ पे चल रही है आइसक्रीम। इतनी ज्यादा गर्मी बाहर हो रही है ना, इधर बड़ा अच्छा लग रहा है। टिकट में कितने रुपए की टिकट है? 60 रुपए। सो वी आर एट बैम्बू फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आपको टिकट लगेगी 60 रुपए की। ये देखो, लाओ गिव मी गुब्बो, ये कम अरे आने दो ना, ठीक है। ये देखो, ओहो दिस इज नाइस। गुब्बो यू वांट टू वॉक? इट्स गुड, वॉक, गो गो गो, कम गुड गर्ल, कम। So you can see there is fish also. Fish. So guys, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे बैम्बू फॉरेस्ट जो है, इसमें सिर्फ बैम्बू के आपको इतने सारे देखने को मिलेंगे, ये इसके ट्री। और यहाँ पे आप चलते जाएंगे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टैचू टाइप के बने हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे बर्ड के लिए भी है, बर्ड म्यूजियम काइंड ऑफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बर्ड म्यूजियम। तो दिस इज द एंट्री एंड 30 रुपीज एंट्री फीस। चलो मिला बर्ड। काट लेते हैं Gobo, see bird. Do you want to touch? Do you want to touch? Nice. Oh my god. Oh, this is iguana. Last. This is iguana. Very boy, good. How many birds? And see what all birds we have. Then we have ostrich. Yeah. एक इधर ही खड़ा है भाई, मुंडी बाहर निकाल के मार देगा दूर ना। उसकी पिट्टी कर रही है यहाँ पे, उसको दवा रखा है कि तू मेरे कदमों के नीचे रह। तू छोटा है, तू छोटा है, तू मेरे कदमों के नीचे रह। ये है सिल्वर फीजेंट, सारे बर्ड्स के नेम है यहाँ पे। और ये क्या है? ये है टर्की। गोबो हमने बुक में देखा था ना, टर्की, सी टर्की, टर्की। गोबो से टर्की, टर्की। देखा, बुक से बाहर आ गया ना, टर्की आ गया ना बुक से बाहर, टर्की। डोंट वरी, डैडा को कुछ नहीं होगा। सीधे बस, सीधे हो गया, हो गया, ऐसे देखो तभी तो फोटो होगी। हो गया, हो गया, हो गया, चलो। नो नो, डोंट वरी, डोंट वरी, इट इज फाइन, कम, चलो आ जाओ, आ जाओ, गोदी आ जाओ, लेट्स गो। सो दिस वॉज नाइस। आगे हम लोग जा रहे हैं तो जिप लाइन है, और आगे चिल्ड्रंस पार्क भी है, वो रहा।
अगर आप जिप लाइन करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। किधर बैठा? क्या हुआ गुब्बू? किधर? वेयर? बाबू। अब गुब्बू को भी बिठाना अपने शोल्डर पे। आपको बिठाना है? कहाँ पे बिठाओगे? यहाँ पे। अच्छा, सो आज ये कुर्ग में हमारा लास्ट डे था जिसमें हमने बैम्बू फॉरेस्ट पे घूम लिया। तो ये कुछ जगह थी जो हमें काफी अच्छी लगी घूम के। और यहाँ पे अगर आप बच्चे के साथ आने वाले हो तो एनीवेज आपका जो बच्चा है काफी एंजॉय करने वाला है। तो यहाँ से अगर आप आ रहे हो, मतलब कहीं से भी आ रहे हो, तो आप कैरी कीजिए वाटर बोतल। इस टाइम पे थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, बट इतनी ज्यादा नहीं है कि आप बियर ना कर सको। इट्स लाइक नॉर्मल। उसके बाद स्टे पे आने के बाद हमने किया अच्छे से रेस्ट, और जब शाम हुई तो इतना अच्छा मूवमेंट लग रहा था, आप देख सकते हो। सो आज ही हमारा लास्ट नाइट थी यहाँ पे कॉफ़ी कार्डू में। सो हम लोगों ने शाम को मंगाए चाय पकोड़े, और जो इसके एंटी जहाँ पे बॉनफायर होता है वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के इतने यमी यमी पकोड़े खाए, बिल्कुल ही मज़ा आ गया। इनका खाना काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने इवनिंग काफ़ी अच्छे से इन्जॉय करी, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम था, ट्रिप ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ा सा सैड फीलिंग भी आती है कि हाँ चलो अभी हम लोग जा रहे हैं। बट इट इज़ अगेन दिस इज़ रियली नाइस प्लेस, और आप 2 या 3 दिन का ट्रिप कोर्क के लिए कर सकते हैं। एंड दिस इज़ एट वेरी रीजनेबल प्राइस पे, सारे जो चीज़ें थी बहुत अच्छे प्राइस पे भी हो गई, ऐसा नहीं है बहुत एक्सपेंसिव रहा। तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगी कितना पैसा कहाँ पर आपका स्पेंड होने वाला है। और यहाँ पर गुब्बू जा रही है बाहर, उसे ये जो स्टे था ना, ये फ़ायदा यही था कि यहाँ से बाहर निकलते इसका जो प्ले एरिया है सारी चीज़ आ जाती है। तो गुब्बू वॉज लाइक रियली हैप्पी, राइट गुब्बू? लेट्स गो। सच अ ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल प्लेस इट इज। ओनली वन बैड थिंग हैपेंड, दैट माय आईज, बोथ द आईज गॉट स्वेल, आई डोंट नो हाउ। चलो वेरी गुड। गुब्बू कम कम कम, ये कर यहाँ पे गुब्बू मजी, बल्ले 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 कर दो, बल्ले 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 बल्ले। आजा कम कम, नो यू डोंट वांट टू कम, ओके सिट देयर। मुंह फोड़ लिया है, मुंह दिखाइए, ये देखिए, ये इतनी एक्साइटेड हो जाती है ना यार कि हम क्या बताएं। और यहाँ पे डाड़ा कर रहे हैं इनका इलाज, इन्हें इससे लगा रहे हैं बैंडेड। देखो हंसी, देखो इसकी हंसी, देखो। हम लोग बोल रहे रुक जा नहीं, इसको भागना है। और इतनी तेज, और ये पहली बार नहीं हुआ है ये इतना तेज भागती है, इसने पूरे अपने पैर छिले हुए हैं, भाग भाग के हर जगह तोड़ रखे हैं। मतलब इसको इतना रनिंग पसंद है, पीटी उषा ना बन जाए ये बड़ी होके। अभी गुब्बो का इलाज हो रहा है, वो वेट देखो नाटक कर रही है, इसको कोई दर्द नहीं हो रहा, हाथ से छूने उने में लगी थी 4 बार। इसको इलाज हो गया, दिखा मम्मा टच, मम्मा टच करें, मम्मा टच। वाह, और टूटू लगाओ, इधर भी लगाओ, इधर भी लगा दो। गुब्बू यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रही है। गुब्बू इज गोइंग टू डू डिनर विद डैड। ये फूड टाइम, गो, नो इट्स नॉट हियर, वेयर इज डैड? डैड इज वॉशिंग। गुब्बू से ईट 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 ईट। गाइस गुड मॉर्निंग, सो अभी बजे सुबह के 6:30, अभी बजे सुबह के 6:30, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, आज चेकआउट का टाइम है। सो डैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग गाइज, अगेन ये काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है, और अभी हम लोग आज निकलने वाले हैं, सुबह सुबह 5:30 बजे हम लोग उठ गए। सो आपसे मिलते हैं आगे। और हमने रास्ते में की काफ़ी मस्ती और चेक किया XUV 700 का एडास, वो भी आप देखने वाले हो नेक्स्ट वीडियो में। से स्टे ट्यून्ड।